अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे किचन में बन रहा है राजमा, यू कैन कॉल इट रेड बीन्स, लाल लोबिया। लाल लोबिया को बहुत तरह से बनाया जाता है, आज हम इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे 300 ग्राम लाल लोबिया लिया है, रेड बीन्स जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके फिर बॉयल कर लिया था। 2 टीस्पून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही में जो स्पाइसेस जा रहे हैं उनमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल धरा मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ में नमक भी लेंगे। यहाँ पे एक लार्ज साइज अनियन लिया है, बड़े साइज़ का प्याज लेके उसे अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक, साथ ही में एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है और दही भी लिया है जो कि है 2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, योगर्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं पैन में, प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए इसे निकाल देंगे कोई सेपरेट प्लेट में। अब उसी सेम ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक को भी ऑयल में फ्राई कर देंगे जब तक ये थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाए। यहाँ पे जो है कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखेंगे और उस पर अच्छे से मसालों को भी भून लेंगे। यहाँ पे तीनों चीज़ों को चॉप करेंगे, प्याज, टमाटर और दही को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। इस पॉइंट पे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, दोबारा इसे अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक और मसालों को। यहाँ पे जो हमने प्यूरी बनाई थी उस प्यूरी को ऐड कर देंगे, टमाटर, प्याज और दही की। यहाँ पे प्यूरी ऐड करने के बाद इसे एटलीस्ट 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 साबुत हरी मिर्ची ऐड की हैं इसमें, मसाले की 15 मिनट तक अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। पंद्रह मिनट के बाद इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, दोबारा इसको 15 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक ऑयल और मसाला जो है वो अलग ना हो जाए। पानी ऐड करने के बाद मसाला को कवर कर देंगे, कवर करके फ्लेम को जो है वो लो कर देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स ये जो है अच्छे से भुन चुका हुआ है मसाला, ऑयल और मसाला जो है वो अलग हो गया हुआ है। अब इसमें रेड बीन्स ऐड कर देंगे, लाल लोबिया, मसाला और लाल लोबिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। पानी ऐड करने के बाद दोबारा इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे। जैसे 10 मिनट हो जाएं अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। लाल लोबिया को अब हम तड़का लगाएंगे, यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है और लहसुन, आप चाहें तो लाल मिर्चे भी डाल सकते हैं। तड़का लगाने के बाद इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे। लास्टली इसमें धनिया ऐड करेंगे। लाल लोबिया जो है वो कम्प्लीटली तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।